हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रेसिपी है स्टफ्ड फ्राइड इडली विथ सांभर। बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर पूरा वीडियो को पूरा देखें। और ये बनाई है मैंने लेफ्ट ओवर इडली से, बहुत ही टेस्टी है। बारिशों के मौसम में तो सिखाकर आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। पास कुछ ये इडली बच गई थी, एक्चुअली ये लेफ्ट ओवर इडली की रेसिपी मैंने बनाई थी, तो ये कुछ इडलियाँ बच गई थी, तो सोचा कुछ नया ट्राई करते हैं। तो देखिए मैंने कैसे इसको क्या बनाया इसके साथ। तो मैंने इडली को बीच में से कट लगा लिया है इस तरीके से, आधी आधी इडली हो गई, क्योंकि ऑलरेडी वो सुबह की हैं तो थोड़ा सा हार्ड हो जाती है ना, तो आराम से कट जा रही हैं बिल्कुल बीच में से। यानी कि आपको दो पार्ट में इडली को कर लेना है, और उसके बाद हम इसके अंदर जो है कुछ फिलिंग्स भरेंगे। बताऊंगी मैं आपको कि हमें इसके अंदर क्या भरना है, लेकिन सबसे पहले आप इस तरीके से इडली को कट कर लें। उसके बाद देखिए चटनी है ना, जो हम नॉर्मली अपने घरों में टमाटर और धनिया से चटनी बनाते हैं ना, तो बस वही नॉर्मल वाली चटनी है, तो इसको ले लेंगे। और कुछ मेरे पास आलू थे, आलू की सूखी ड्राई सब्जी होती है ना, वो रखी हुई थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़े से आलू को उबालने के बाद आलू का पोटैटो को मसाला बना लें, जैसे नॉर्मली हम नमक मिर्च डाल के उसको बना लेते हैं, बस नॉर्मल सा एक पोटैटो मसाला चाहिए, बस वो बना लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी सब्जी थी तो मैंने उसको यूज़ इसमें कर लिया है। तो ये टोटल हमारी लेफ्ट ओवर चीज़ों से बनी रेसिपी बहुत ही टेस्टी वाली बनाई है मैंने इसमें। अब मैंने लिए हैं कुछ फ्रेश कोरिएंडर लीफ यानी कि धनिया की पत्तियाँ, और कुछ पुदीना यानी कि मिंट, इसको थोड़ा थोड़ा चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद हमारी सब्जी रेडी है। तो अब हमने जो पोटैटो मसाला था ना, जो आलू का मिक्स था, वो मैंने इसके बीच में लगा दिया है, देखिए इस तरीके से। और उसके बाद हम इस पर लगाएंगे वो जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी ना, यानी कि चटनी। सबसे पहले हम लगाएंगे पोटैटो मैश्ड वाले, फिर हम लगाएंगे चटनी। और चटनी तो ये बहुत इजी है, सबको सबके घरों में बनाई जाती है। यानी कि धनिया, टमाटर और ग्रीन चिली को हमें पीस लेना है ग्राइंडर में, बस चटनी तैयार है। अब उसके ऊपर जो है हमें थोड़े से जो फ्रेश लीफ थे ना धनिया के और पुदीना के, वो लगाने के बाद इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लगाया पोटैटो मसाला, फिर लगाई हमने ग्रीन चटनी, और हमने उसके ऊपर रखा ग्रीन वो लीफ वाली जो पुदीना और धनिया। बस इस तरीके से आप जितनी भी आपके पास इडली बची हुई है या जितनी भी आपको चाहिए, आप इस तरीके से रेडी कर लीजिए। यकीन मानिए जब भी बढ़िया सी बारिश हो और ये रेसिपी आप बनाएंगे ना, तो पूरी फैमिली को मज़ा आ जाएगा। तो अब हम लेंगे बहुत ही एक हेल्दी चीज़, वो है हम बारले का जो आटा होता है ना, बारले फ्लोर जो होता है, इसे हम जौ का आटा भी बोलते हैं। तो इसको लेने के बाद मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच इसका यूज़ किया है, तो आप अंदाजे से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, तो लगभग 4 से 5 चम्मच तो डेफिनेटली ये जाएगा। तो इस तरीके से इस ज्वार के आटे को ले लें, जो कि अपने आप बहुत हेल्दी होता है। इसमें आपको ना बेसन, ना सूजी, ना मैदा, किसी का यूज़ नहीं करना है, बस ज्वार का आटा लेना है। उसके संग मैंने इसमें नमक, कुछ धनिया की पत्तियाँ, और थोड़े से मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चिली पाउडर का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मुझे तो ये बहुत पसंद आया, तो ये आप इसको इस तरीके से बना सकती हैं। तो चिली फ्लेक्स ज़रूर डालें, उससे देखने में खूब सुंदर भी लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब पानी आप ज़रूरत के अनुसार बढ़ाते कम ज़्यादा कर लें, बस एक जैसे डोसा पेस्ट होता है ना, उस टाइप का जो बैटर होता है, वही वाली कंसिस्टेंसी आ जाए, ताकि इसमें हम इसको डिप करके आगे बना सकें। तो देखिए इस तरीके से चलाते जाएँ, एक साइड में चला दें, ताकि बढ़िया से एकदम से बढ़िया फ्लफी जो हमारे इडली जो है हम बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक पूरा पेस्ट बढ़िया सा बना लिया है। तो आप बिल्कुल भी मैदा या किसी कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल ना करें, बस ज्वार के आटे का इस्तेमाल करें, और इस तरीके से इसको डिप कर दीजिए, और स्पून की हेल्प से इसको पूरा इस तरीके से डिप कर लें। और अब बहुत ही केयरफुली आप इसको गर्म तेल में डालें, और ऑलरेडी रिफाइंड मेरा गर्म हो चुका था, तो मैंने इसमें बहुत केयरफुली डाला है, ताकि ऊपर से कोई छीट वगैरह ना आ जाए। और दो मैंने एक साथ डाले हैं, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसको स्लो फ्लेम पर और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर बनाएं, ताकि ये गोल्डन ब्राउन बढ़िया से क्रिस्पी बन जाए। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना बढ़िया बन रहा होगा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी एज ए स्नैक्स खा सकते हैं, तो ये क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं ये, क्योंकि ये फ्राइड इडली के अंदर हमने जो फ्राइड भर जो भरा है ना पोटैटो वगैरह, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनते हैं। सो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इस रेसिपी का मज़ा ले सकें। तो देख सकते हो आप कितनी बढ़िया से हमने जो है इसको फ्राई कर लिया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको हम ऐसे भी चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। तो लेकिन अभी हमें इसके संग कुछ और भी नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाना है इसको। तो ये एकदम फ्राई हो चुके हैं, तो निकाल देते हैं इसको प्लेट में। बस अब हमारे पास सांभर हमारे पास होना चाहिए। सांभर की जो कैसे बनाएं उसका लिंक मैं डाल दूँगी।
तो सांभर आपको बनाना है, और गरम गरम सांभर हो तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। जैसे कि हम बड़ा और सांभर खाते हैं ना, तो ये स्पेशल टाइप का वड़ा समझो आप इसको। मैंने इडली के साथ, इडली वाला वड़ा बनाया और सांभर है, तो चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। अगर चाहें तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। तो ये रेडी हो गया, इसको कट करने के बाद ही आपको मैं दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बहुत टेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर लीफ जो डाला है ना और चटनी डाली है, बहुत ही बढ़िया लगता है वो टेस्ट। तो देख सकते हो आप कितना बढ़िया अंदर तक पक गया है, और ये इस तरीके से आराम से आप खा भी सकते हो, किसी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अब चलिए बनाते हैं अपना वड़ा सांभर। तो मैंने ये जो इडली को फ्राइड किया था ना, इसको इसमें रख दीजिए काट कर बीच में से, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एकदम गर्मा गर्म सांभर। सांभर जब आप इसमें डाल देंगे तो इसका टेस्ट आप खा कर देखना, आपको एकदम नई रेसिपी लगेगी, नया टेस्ट लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया लगेगा। थोड़ा सा तड़का हम इसमें डाल देंगे मस्टर्ड और करी पत्ते का, और आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं टोमेटो के साथ, ग्रीन चिली के साथ, नहीं तो आप इसको ऐसे भी आराम से खा सकते हैं। पूरी फैमिली के लिए कंप्लीट मील है, आप डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में जब चाहें तब खा सकते हैं। हर तरीके से ये सूटेबल है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में, और आपकी जो इडली बची है ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर ट्राई करना, देखिए इस तरीके से भी आप सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।